हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक छोला भटूरा स्टॉल या फिर दुकान शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, छोला भटूरा जो है एक स्ट्रीट फूड है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और यह एक इतना स्वादिष्ट खाना है कि कोई भी अगर व्यक्ति इसको देख लेता है तो वो फिर बिना खाए इसको रह ही नहीं सकता है। तो बस यही कारण है कि 90% लोग इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। और जो 10% लोग बचते हैं वो इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि आप छोला भटूरा का स्टॉल या फिर शॉप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए किन किन सामानों की आपको आवश्यकता होगी, लोकेशन किस जगह होगा कि आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, अपने बिजनेस को आप फेमस कैसे करेंगे, इसमें कोई लाइसेंस लगता है या फिर नहीं लगता है, अपने स्टॉल या फिर दुकान में आप ऐसा क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दुकान में आएंगे और आपकी कमाई जो है लगातार बढ़ती रहेगी, और इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इससे आपकी कमाई कितनी होगी, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो आपको छोला भटूरा बनाने आना चाहिए, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट छोला भटूरा बनाने आपको आना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे समोसा पकौड़े आदि बनता है उससे थोड़ा सा ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से बनाना पहले सीखना पड़ेगा। अगर आपको बनाना नहीं आता है और आप चाहते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करना या तो स्टॉल में या फिर दुकान में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कारीगर आपको अपने पास रखना पड़ेगा जिसको अच्छे प्रकार से छोला भटूरा बनाने आता हो, और उसको अपने दुकान में या फिर अपने स्टॉल में रख सकते हैं और एक आप रह जाइएगा, ठीक है। उसको आप महीने में कुछ वेतन दे दीजिए या फिर रोज़ाना कुछ वेतन उसको दे सकते हैं आप, जैसा भी आपके एरिया में चलता हो उस प्रकार से आप देखिए, अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, अब आपको एक लोकेशन देखना है कि कहाँ पर हम लोग का छोला भटूरा का जो बिजनेस है वो सबसे अच्छा चलेगा। अगर आप स्टॉल में स्टार्ट करते फिर भी और दुकान में स्टार्ट करते हैं फिर भी, तो कहाँ ऐसा हो सकता है, कौन सा जगह हो सकता है? तो सबसे पहला हो सकता है एक रेलवे स्टेशन के किनारे। अगर आपको पता नहीं है रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम लोग कैसे दुकान खोलते हैं तो एक वीडियो मेरा यहाँ पर मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हम लोग दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या, रेलवे स्टेशन में आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, बस स्टैंड में शुरू कर सकते हैं। उसके बाद किसी फेमस मॉल के किनारे स्टार्ट कर सकते हैं, किसी पार्क के किनारे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फेमस मंदिर है वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कॉलेज स्कूल है वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। मतलब ऐसा जगह आपको ध्यान रखना है, ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हों। हो सकता है आप किसी मार्केट में भी शुरू करें या फिर जहाँ भी भीड़ भाड़ ज़्यादा लगता हो, लोगों का आवाजाही जहाँ पर हो वहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ आपका ये बिजनेस खूब चलेगा। स्टेप नंबर थ्री, तो जहाँ भी आपने लोकेशन देखा है वहाँ पर आपको एक रूम लेना पड़ेगा दुकान अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर दुकान स्टार्ट नहीं कर रहे, आप स्टॉल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ठेला भी आप ले सकते हैं या फिर स्टॉल बनवा लीजिए, ठीक है। जो दरवाज़ा खिड़की वगैरह जो बनाता है लोहे का, उसके पास आप चल जाइए तो वो आपको एक स्टॉल बना के दे देगा। इसके साथ ही अगर आप रूम लेते हैं तो रूम में आपका बिजली का सुविधा हो, ऐसा आपको रूम देख के लेना है अपने लोकेशन पर। स्टेप नंबर फोर, अब हम लोग बात करते हैं कि एक छोला भटूरा दुकान में हम लोग का कौन कौन सा सामान लगेगा। तो सामान की बात करें तो आप बर्तन लगेगा, यानी कि जैसे कढ़ाई हो गया, गमला हो गया, इस प्रकार से बहुत सारा सामान होता है, ठीक है। तो वो सब सामान आपको, मतलब कि बर्तन लेना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको टेबल, बेंच, कुर्सी और जो छोला भटूरा बनाने का सामग्री होता है वो सब आपको लेना पड़ेगा, किसी किराने स्टोर से ले सकते हैं। और बेंच टेबल जहाँ पर आप स्टॉल बनवा रहे हैं वहीं पर आप इसको भी बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको व्यावसायिक एक गैस सिलेंडर चाहिए होगा और एक उसी का साथ ही चूल्हा चाहिए होगा। तो ये चीज़ें जो है मैंने बताया, ये सब आप ले लीजिएगा। उसके साथ और भी अतिरिक्त बहुत सारे सामान लगते हैं जो कि आप अपने दुकान या फिर स्टॉल के अनुसार ले सकते हैं। स्टेप नंबर फाइव, अब आपको क्या करना है कि एक आपको अपना दुकान का एक अच्छा सा नाम रखना है, या फिर आप स्टॉल में भी बेच रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा नाम रखना है, ठीक है, ताकि आपके नाम से लोग आपको पहचाने और आपका दुकान थोड़ा जल्दी फेमस हो जाए, ठीक है। नाम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके दुकान को जल्दी। और अगर आप दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर अपने दुकान का नाम जो है वो आप गूगल मैप पर लिस्ट भी करवा दीजिएगा, ताकि कोई भी आपके दुकान तक आसानी से पहुंच जाए। स्टेप नंबर सिक्स, इस पॉइंट को एकदम ध्यान से देखिएगा कि 10% लोग जो है यही गलती करते हैं जिसके कारण उनका बिजनेस चल नहीं पाता है। तो कौन कौन सा गलती है, सबसे पहला छोला भटूरा स्टॉल अगर वो स्टार्ट करते हैं, दुकान में तो पर्याप्त बैठने का जगह होता है लेकिन स्टॉल अगर जो स्टार्ट करते हैं उनके पास बैठने का पर्याप्त जगह नहीं होता है, ठीक है। तो लोग जो आएंगे वो खाने के लिए, तो खड़ा खड़ा खाएंगे तो कितना खराब लगेगा, तो इसलिए आपको बैठने का पर्याप्त जगह बनवाना है, इसीलिए आपको टेबल, बेंच, कुर्सी ये सब लेना है। इसके साथ ही छोला भटूरा वो काफ़ी ज़्यादा
स्वादिष्ट बनना चाहिए। उसके साथ आप अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि अचार दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं वगैरह वगैरह, नमक मिर्च ये सब आप प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे आपका छोला भटूरा का थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट बने और उसको लोग रुचि लेके खाएं। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कई बार मैंने देखा है कि जहाँ पर बगल में शॉप है वहीं पर पान की पिचकारी लोग मार के जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं होने देना, आपको साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको डस्टबिन का भी उपयोग करना है ताकि जो भी खाएं उसको डस्टबिन में फेंक दे। इसके साथ ही आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके दुकान को चलने में, ठीक है, या फिर आपके दुकान को डूबने में। तो ये दोनों चीज़ें, अगर आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, अच्छा चलेगा, और अगर आपका व्यवहार खराब रहा तो फिर लोग आप तक आएंगे नहीं और आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखिएगा आप। बस यही कुछ सावधानियाँ थी जो कि आपको रखना है। अब चलिए मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हम लोग। स्टेप नंबर 7, इस बिजनेस में कोई लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो जी हाँ, आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, लेकिन शुरुआती अगर छोटे स्तर से आप कर रहे हैं, स्टॉल से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे दुकान से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको लाइसेंस अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगा छोटा स्तर पर अगर बिजनेस करते हैं आप तो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका बिजनेस ज़्यादा चलने लगा है तो आप एक लाइसेंस ले लीजिए, FSSAI फूड लाइसेंस, ठीक है। और अगर आप शॉप उसके साथ ही स्टार्ट किए हैं, मतलब शॉप में आप छोला भटूरा बेच रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आपको गुमास्ता लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही आपको अपने दुकान में ऑनलाइन पे का सुविधा रखना है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे वगैरह वगैरह, और भी जो ऑनलाइन पे है उससे आपको पेमेंट रिसीव करना है। स्टेप नंबर 8, अपने बिजनेस को आप फेमस किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो हर दुकान के लिए ये लागू होता है, अगर आप छोला भटूरा का दुकान स्टार्ट करें तो आपके लिए भी लागू होता है। तो क्या क्या है वो समझिए। सबसे पहले बैठने का उत्तम सुविधा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लोगों को बैठने का, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक पॉइंट में बता दिया। इसके साथ ही साफ सफाई काफ़ी अच्छा रखना है। बाहर में आप लाइटिंग करवा सकते हैं, बाहर से ही ऐसा देखने से लगे कि यह एक छोला भटूरा का दुकान है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो छोला भटूरा हम लोग को मिलेगा। और प्राइस काफ़ी जेन्युइन रखिएगा, जो कि एक गरीब से गरीब आदमी भी दे सके और अमीर आदमी भी दे सके, ठीक है। कुछ ऐसा जेन्युइन प्राइस रखिएगा जो कि आपके एरिया में चलता हो। प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं और प्राइस को भी हाई कर दिए हैं तो आपका बिजनेस फिर भी नहीं चलेगा, और अगर आप गंदा खाना दे रहे हैं और प्राइस बहुत ही लो रखे हैं फिर भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक जेन्युइन प्राइस रखना है ताकि कोई भी व्यक्ति आए और स्वादिष्ट आपका छोला भटूरा खा सके। स्टेप नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस में। तो 5,000 से 10,000 तक आपका एक स्टॉल आ जाएगा, ठीक है, अगर स्टॉल में आप शुरू करते हैं तो। दुकान के लिए मैं बताऊंगा आगे, अगर स्टॉल स्टार्ट करते हैं तो 5,000 से 10,000 में आपका एक स्टॉल आ जाएगा। उसके साथ ही आपका सामान जो है वो 5,000 में सारा सामान आ जाएगा, आपका बर्तन से लेके बैठने उठने का सारा सामान, ठीक है। इसके साथ ही आपको सामग्री जो है वो 2-3 हज़ार का आ जाएगा सारा सामग्री, ठीक है। अगर टोटल हम लोग बात बोले तो 15,000 से 20,000 तक में आप एक स्टॉल में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से शुरू हो जाएगा। वहीं अगर दुकान की बात करें, 150 से 200 स्क्वायर फीट का आपका एक रूम होना चाहिए, जो कि आपको 5,000 से 10,000 के अंदर किराए पर मिल जाएगा, जिसको आपको मंथली कुछ किराया देना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में जो एडवांस दीजिएगा वो 5,000 से 10,000 तक हो सकता है। इसके साथ ही आपको सामान जो है वो भी 10,000 आपको लगभग पड़ जाएगा। तो टोटल मिला के अगर देखें तो इस बिजनेस को आप दुकान अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20,000 से 30,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, और वही अगर स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 15,000 से 20,000 तक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तो आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10 कि हम लोग का इस बिजनेस में कमाई कितना होगा, कैसे होगा। तो अगर आप दिन में छोला भटूरा बेचते हैं, एक प्लेट का कम से कम आप प्राइस रख सकते हैं 30 रुपये, ठीक है। हम लोग इधर तो अभी 20 रुपये चल रहा है, लेकिन आप 30 रुपये ईजिली रख सकते हैं अगर किसी बाजार में आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन के किनारे कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप 30 रुपये जेन्युइन रेट रख सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर बनाने का कॉस्ट और सब मिला के अगर बात करें तो कम से कम 15 रुपया इसका लगेगा, ठीक है। 15 रुपये में आपका एक प्लेट छोले भटूरे बन के रेडी हो जाएगा और आप उसको बेच सकते हैं कितने में, 30 में, तो आपको 50% का फ़ायदा इसमें हो जाएगा। वहीं अगर दिन के हम लोग 200 प्लेट बेच लेते हैं आराम से, ये नॉर्मल है, इतना आप बेच ही लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में आपका थोड़ा सा कम बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका ज़्यादा हो सकता है। तो आपने दिन के 200 प्लेट अगर बेच दिया तो फिर आपको लगभग 3,000 का एक दिन में इनकम हो जाएगा, बचत, ठीक है, सारा कुछ छोड़ के बचत इतना आपका हो जाएगा। वहीं अगर मंथली अगर हम लोग देखें तो 90,000 के करीब हो जाता है। अगर 100 प्लेट भी आप बेच लेते हैं दिन में तो आपका डेली का 1500 हो जाता है और महीने का 45,000। तो काफ़ी ज़्यादा इनकम है इस बिजनेस में, आप भी इस बिजनेस को शुरू करके अमीर हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।